नमस्ते चुले टच द लेक, आप सभी का ट्राइबल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। तो जी हाँ, जैसा आप सभी को मालूम है, हम हैं लद्दाख में और इस वक्त हम हैं ITBP के हेडक्वार्टर में। तो जी हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आज का जो दिन है हम लद्दाख वासियों और बौद्ध धर्म में आस्था और विश्वास रखने वालों के लिए बेहद ही खास और पवित्र दिन है। जी हाँ, हमारे धर्म गुरु परम पावन परम पूजनीय दलाई लामा जी लद्दाख में पधार चुके हैं। तो आज यहाँ पर 3 दिन का कार्यक्रम होने वाला है। दलाई लामा जी के टीचिंग्स और प्रेयर्स यहाँ पर होने वाले हैं, यहाँ हमारे चुगलम सर में। तो आज हम उसी के लिए जाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी को मिलवाना चाहूँगी एक खास व्यक्ति से जो हमारे किन्नौर से हैं। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी श्री अशोक नेगी से, जो कि हमारे किन्नौर के मेबर गांव के हैं और यहाँ ITBP में बतौर DIG के पद पर यहाँ पर कार्यरत है। थैंक यू अविता, अच्छा लगा आपसे मिल करके कि आप इतने दूर तक चल करके आए हो यहाँ के लद्दाख के सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ के कल्चर को रिकॉर्ड करने के लिए और इसको अपना ब्लॉग बनाने के लिए। आजकल बड़ा अच्छा टाइम है, जबकि हमारे बीच में हिज होलीनेस दलाई लामा जी पधारे हुए हैं। लगभग 2 महीने का इनका इस बार का प्रवास रहेगा यहाँ पे। अंकल, थोड़ा मैं जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर कितना समय हो गया है और थोड़ा बहुत हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे कि लद्दाख में आपको कैसा लगा। लद्दाख मुझे अभी ये मेरा सेकंड टेन्योर है। इससे पहले मैं 1990 से 1992 तक यहाँ 2 साल रहा हूँ और ये टेन्योर पिछले साल लगभग मुझे साल होने को आया है। लद्दाख अपने आप में एक बहुत सुंदर इलाका है और जिसको हम एल्टीट्यूड डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ के जो लोगों का रहन सहन है, वेशभूषा है, बहुत ही धैर्य स्वभाव वाले लोग हैं और बहुत अपने आप में अपने कल्चर को बहुत ही इन्होंने संजोया हुआ है और काफ़ी इनका जो कल्चर और जो भी हम कहेंगे इनका काफ़ी गहराई से लोग इसको फॉलो करते हैं और इसको मानते भी हैं। चुले अमिता जी, मेरा नाम तुस्तन छेवांग है। मैं इस समय लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, जो कि जितने भी लद्दाख के बौद्ध धर्म के मतावलंबी है उनका एपेक्स बॉडी है, उसके अध्यक्ष के नाते में कार्यरत हूँ। मैं आपका सबसे पहले तो लय में स्वागत करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से जितने भी इस चैनल को देखने वाले हैं, श्रोता है, उन सबको मैं
लद्दाख निवासियों की तरफ से आपका शत शत प्रणाम करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ, जुड़े करना चाहता हूँ। तो सौभाग्य में हमारा है, पूरे लद्दाख निवासियों का है, जिस दिन दलाई लामा जी ने अपना ले में कदम रखा तब से लद्दाख के लोग ही नहीं वरन भारत के अन्य क्षेत्रों से आए हुए लोग, दुनिया के और क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने दलाई लामा जी का भरपूर यहाँ पर स्वागत किया। और मैं लद्दाख निवासी तो हम गदगद है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा उनके प्रवचन के दौरान भी या जो भी इवेंट हुए हैं, उन्होंने बार बार ये दोहराया कि वो लद्दाख बार बार आना चाहते हैं, क्योंकि वर्षाकालीन जो समय होता है धर्मशाला में ज़्यादा मौसम बारिश होने की वजह से उनके घुटने में जो तकलीफ है वो एग्रेवेट होता है, तो उस कारण से एक तो लद्दाख आने का उनका वैसे भी है। और जिस तरह का डिवोशन लद्दाख के लोगों का दलाई लामा जी के प्रति है, तो उसको देखते हुए उन्होंने बार बार कहा भी है, उसकी उन्होंने बहुत लद्दाख के लोगों को सराहा भी है, तो उसको देखते हुए ये हमारा सौभाग्य है कि इस बार उन्होंने ये ऐलान किया कि वो हर साल यहाँ पर कुछ समय बिताना चाहेंगे। वर्षाकालीन के दौरान तकरीबन 5-6 हफ्ता लद्दाख में बिताएंगे। जितने भी इवेंट अभी तक दलाई लामा जी के रिहाइश के दौरान यहाँ तक अभी संपन्न हुआ, तो वो बहुत ही अच्छे तरह से संपन्न हुआ। और ये लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सिर्फ मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वरन इसमें जिस तरह का सहयोग पूरे लद्दाख के न सिर्फ बौद्ध धर्म के मानने वाले, वरन आपने देखा होगा बाकी जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, चाहे इमामिया हो, अंजुमन मोइनुल इस्लाम हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, हिंदू हो, सिख हो, जितने भी यहाँ धर्म के मानने वाले हैं, सब ने मिलकर जिस ढंग से दलाई लामा जी का स्वागत किया और हम सुबह के समझते लद्दाख के लोगों का। और जैसा कि आपने देखा होगा जो 3 दिन का 21, 22 और 30 जुलाई को जो प्रवचन दलाई लामा जी का यहाँ पर हुआ चोकलम सर के जो पल चक्कर मैदान में, तो उसमें जिस संख्या में लोग न सिर्फ लद्दाख के निवासी वरन पूरे हिमालयन क्षेत्र से, विदेश से, हर जगह से लोग यहाँ पर आए थे, तो 3 दिन का जो प्रवचन हुआ, पहले दिन का जो प्रवचन था वो ज़्यादातर उन्होंने ग्यल्थस लकलेन सुदुन्मा, ये है 37 प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल दी बोधिसत्वस। उसके बाद दूसरे दिन जैसा कि आपने देखा चंद्र सिंह का जो ढंग है वो उन्होंने लोगों को यहाँ पर प्रवचन के दौरान उन्होंने दिया है। और तीसरे दिन तो लद्दाख के लोगों की तरफ से और जितने भी लोग यहाँ पर लद्दाख में उस समय यहाँ पर मौजूद थे उनकी तरफ से दलाई लामा जी के जीवन के बारे में, जो उनकी उम्र दराजी हो, उनकी लाइफ लॉन्ग के लिए जो प्रेयर हुआ, उसके अलावा दलाई लामा जी ने जो यहाँ पर प्रवचन के दौरान जो प्रवचन दिया हमें, तो उसका धन्यवाद करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो है इवेंट था वो तीसरे दिन यहाँ पर संपन्न हुआ। तो पूरे जो 3 दिन के प्रवचन के दौरान लद्दाख में जिस तरह का माहौल यहाँ पर रहा और जिस तरह से हर धर्म के मानने वाले लोगों ने इसमें शिरकत की और जिस डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन के तहत लोगों ने, बावजूद इसके कि मौसम ने भी बहुत काफ़ी ख़राब रहा, बारिश भी हुई, धूप भी हुआ, हवा भी चला, उसके बावजूद भी लोगों ने 3 दिन अपने जो डिवोशन दलाई लामा जी के प्रति है उसको दर्शाते हुए, मौसम की जो कठिनाइयाँ हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए पूरे ध्यान से, मगन से दलाई लामा जी का प्रवचन हुआ। और मेरे ख्याल से ये ऐसा नज़ारा मेरे ख्याल से कभी देखने को मिलेगा आपको किसी भी इवेंट में कहीं भी। ये उम्मीद करता हूँ, ये प्रार्थना भी करता हूँ कि हम सभी
मिलके प्रार्थना करें। एक तो दलाई लामा जी है, वो लंबी उम्र हो, जैसा कि उन्होंने अपनी संवाद के दौरान यहाँ पर घोषणा भी किया, उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाएं उनको सामने घटा है या उनके मन में आया है, उनके ध्यान में आया है कि वो 110 साल तक जीवित रहेंगे और पूरी संसार में जो सेंटियन बींग्स के लिए वो अपना संदेश है वो देते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ जो जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक़ है, तो बार बार इस दौरान लद्दाख आने का जो उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया, तो ये मेरे विचार से लद्दाख के लोगों के लिए तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकता। तो हम सभी प्रार्थना करें, एक तो दलाई लामा जी की उम्र दराजी हो, वो 110 साल जिए, और साथ ही साथ जो तिब्बत का इशू है वो जल्द से जल्द इसका रेजोल्यूशन कोई हल निकले, तो इसके लिए हम सभी प्रार्थना करें। और मैं विशेष तौर से हिमालयन राज्यों में रहने वाले जितने नालंदा ट्रेडिशन के मानने वाले लोग हो या शांतिप्रिय जितने भी लोग चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहते हो, तो उन सब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तिब्बत के कॉज को हम सपोर्ट करें, खुलकर सपोर्ट करें। मैं संक्षिप्त में आपके सामने जो दलाई लामा जी का यहाँ पर अभी तक का जो यहाँ पर उनका इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुआ, तो उसके बारे में आपके माध्यम से चैनल के दर्शकों को ये बतलाना चाह रहा था। Yeah, I'm gonna go.